मुर्दाबाद, वसीम रिजवी मुर्दाबाद, 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 वसीम रिजवी। आप जेल में डालना चाह रहे हैं? हुआ है प्रोटेस्ट, आपका हुआ है ना, वो हमने कराया है, आपका फिर तरीके से सब ले लिया, जहाँ पर ले लिया उसके बाद मैंने कहा साइड मार जाइए, और फिर तो बढ़ते जा रहे हैं, हमने आपको लगा हुआ है, आपको ये भी नहीं 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 कि अगर वो उन बाज नहीं आए तो हिंदुस्तानी उन्हें उनके ऑफिस में घुस के मारेंगे और जान से मार देंगे, क्योंकि नफरत का खात्मा, नफरत फैलाने वाले लोगों के खात्मा पहले होगा और ये हिंदुस्तानी करेंगे। यकीनन ऐसे लोग मार दिए जाएंगे और ये हिंदुस्तानी अब जाग चुके हैं। राम मंदिर की फिर से याद आ गई 2019 में? नहीं, राम मंदिर की याद आना तो तय है क्योंकि इलेक्शन सर पे है। अब जाहिर सी बात है, अब कौन राम भरोसे ही सरकार चलेगी? इन्होंने जनता के लिए कुछ किया ही नहीं है। जनता के लिए कुछ किए होते तो यकीनन ये कुछ मुद्दों पे बात करते। अब राम मंदिर याद आ गया, फिर कोई और भगवान आएंगे? असल में मैं नहीं कहूँगा, मैं इतना कहूँगा कि राम के नाम पे ये सियासत बंद हो जानी चाहिए। वक्फ बोर्ड वसीम रिजवी साहब अपने उल्टे पुल्टे बयान और विवादित बयानों की वजह से काफ़ी सुर्खियों में रहे हैं, और उन्होंने सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का एक नया हथकंडा ये निकाला कि उन्होंने राम जन्मभूमि नाम की एक फिल्म बनाई है, खुद लिखी है और उसको खुद डायरेक्ट किया है। उस ट्रेलर में जो है एक मौलाना रिजवान है जो अपनी बहू के साथ हलाला करते हुए मुसलमान नफरत के नारे लगाते हुए, और 1990 में जो कार सेवकों पर जो गोली कांड हुआ था उसको दिखाया गया है, और फिर फिल्म पूरी बनाने के बाद वो ये कहते हैं कि मेरा किसी समुदाय के जज्बातों को ठेस पहुंचाना मकसूद नहीं है। हम ये कहते हैं कि आज का युवा जो है वो हिस्ट्री की किताबों को पढ़ना नहीं चाहता, बल्कि वो फिल्मों के जरिए हिस्ट्री को समझना चाहता है। और 6 दिसंबर से पहले, 2019 के चुनाव से पहले, इस तरह की फिल्में जिनका केस जो है वो कोर्ट में चल रहा है, आपको ज़रूरत नहीं है इस तरह के टॉपिक पर फिल्में बनाने की। वो ये कहते हैं कि ये बात बच्चा बच्चा जानता है कि वहाँ राम मंदिर था और लोगों ने तोड़ करके वहाँ पर मस्जिद बनाई। मुसलमानों को चाहिए कि वो लखनऊ में चले जाएं और मस्जिद अमन नाम की एक मस्जिद जो है वहाँ पर कायम कर लें। हम ये कहना चाहते हैं कि आप कौन हैं ये बयान देने वाले कि मुसलमानों को ये करना चाहिए या नहीं।